नमस्कार, मैं कनक चंद अपने चैनल कनकधारा के माध्यम से आज आप सभी सम्मानित बाबा के भक्तजनों को कैंची धाम मंदिर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। महान संत बाबा नीम करौली महाराज, जिनको साक्षात हनुमान जी का अवतार माना जाता है, 1962 में कैंची पधारे थे, जहाँ बाबा जी के द्वारा 15 जून को कैंची धाम मंदिर की स्थापना की गई। आज के दिन बाबा सभी भक्तजनों को विशेष रूप से मालपुआ प्रसाद के रूप में दिया करते थे। आज भी 15 जून को कैंची मंदिर को खूब सजाया जाता है, जो कि बहुत ही मनोहारी होता है। 15 जून को भक्तजन बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करने कैंची धाम आते हैं और मालपुआ का प्रसाद श्रद्धापूर्वक प्राप्त करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि बाबा कैंची धाम सर्वप्रथम कब और कहाँ आए? आइए, मैं विशेष जानकारी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। 1942 में स्वर्गीय श्री पूर्णानंद तिवारी जी, जो कि एक बार भूमियाधार नैनीताल में रात्रि को जा रहे थे, तभी उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज जी के दर्शन किए, जहां बाबा जी ने उनसे कहा कि वो 20 साल के बाद पुनः उनको दर्शन देंगे। ठीक 20 साल के बाद 1962 में बाबा नीम करौली जी इसी कैंची धाम में पहुंचे थे और इसी जगह पर आए। इस वक्त इसी तख्त पर बैठे थे, जो कि पूर्णानंद जी का एक खंडहर नुमा घर हुआ करता था, जिसे बाद में परिवार ने मंदिर के रूप में सुसज्जित किया और बाबा जी की आरती सुबह शाम श्री उमेश चंद तिवारी, जो कि उनके पुत्र हैं, अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से मालपुआ और अन्य तरीके के व्यंजन बनाकर बाबा जी को भोग के रूप में लगाते हैं। यह वही मंदिर है जहाँ की सर्वप्रथम बाबा नीम करौली महाराज पूर्णानंद जी के घर आए थे और इसी तख्त पर वो विराजमान हुए थे। अब इस जगह को मंदिर के रूप में सुसज्जित किया गया, यहाँ के दर्शन कर मैं धन्य हुई। इस अलौकिक स्थान को मैंने अपने अंदर अनुभव किया, जहाँ की मुझे आनंद की अनुभूति हुई। बाबा नीम करौली महाराज जी के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री पूर्णानंद तिवारी जी के पुत्र श्री उमेश चंद तिवारी जी आज अपने निवास स्थान पर अपने परिवार के साथ मालपुए बना रहे हैं, जहाँ पर कि सर्वप्रथम महाराज जी आए थे उस तख्त पर बैठे थे, वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाया है। आज वो इन मालपुओं का भोग लगाएंगे। जाता को रूप बदल के जाता है ना कि कभी से।